दोस्तों आज हम बात करेंगे होंडा सीवी साइन के अच्छाई और बुराइयों के बारे में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे आज के समय में इसकी प्राइस कितनी पड़ रही है। तो आइए हम जान लें। स्वागत है आपका अपने वाले चैनल में। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं, हमें भारी मदद से विजयी बनाएं। दोस्तों अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो होंडा सीवी साइन में सबसे बढ़िया आपको मिलता है माइलेज। अगर आप कितनी भी रफ बाइक चलाते हैं, आपको 50 से लेकर 55 के बीच आपको माइलेज मिल जाती है। दूसरा आपको मिलता है होंडा का ट्रस्टेड इंजन, जैसे कि आप जानते हैं AGT होंडा इको टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार इंजन है। तीसरा आता है गुड पिकअप, इसमें आपको मिलती है बहुत ही शानदार पिकअप, इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम आती है। अगला पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। आपको बता दें ट्रिपल लोड चलने के बाद भी जो है ज़्यादा ये ज़मीन से सटती नहीं है, सस्पेंशन काफ़ी आपको बढ़िया मिलती है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तो वो है कॉम्बी ब्रेक, इसमें आपको मिलता है CBS का ऑप्शन, साथ ही कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। सीट की बनावट इतनी सही है कि तीन लोग आसानी से कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो आज के समय में होंडा की सीवी साइन की आपको प्राइस पड़ती है 68,500 रुपये। अब हम बात करते हैं इसे कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। इसमें पहला पॉइंट आता है थिन टायर, इसमें आपको जो काफ़ी पतले टायर मिलते हैं सामने की तरफ, जो थोड़ी सी आपको सड़क पर पकड़ कम करती है। अगर थोड़े से टायर चौड़े होते तो आपको और भी ज़्यादा जो है सड़क पर पकड़ अच्छी मिलती है। दूसरा पॉइंट है एनालॉग मीटर, नो ट्रिप मीटर। इसमें आपको मिलता है एनालॉग मीटर, ट्रिप मीटर आपको जो है नहीं मिलता है। अगर हम बात करें रियर सस्पेंशन की तो थोड़ी सी जिसमें आपको प्रॉब्लम दिखती है रियर की सस्पेंशन में, सामने की तरफ काफ़ी सही है। और अगला पॉइंट है हमें इसमें चाहिए 5 नंबर ऑफ गियर। आपको बता दें 2017 वाले होंडा की सीवी साइन में आपको मिलता है केवल 4 नंबर ऑफ गियर, लेकिन अगर आपको 5 गियर चाहिए तो आप जो है होंडा की सीवी साइन SP ले सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें वो है इससे कॉस्टली पार्ट। आपको बता दें अगर आप होंडा की जेन्युइन पार्ट्स आप खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है लोकल मार्केट में। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर होंडा सीवी साइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जाना है तो आपको बता दें ये जो है 1 साल बाइक चलाने के बाद इसके ऊपर जो है बताया गया है, और साथ ही बाइक जो 1 साल में 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसी किलोमीटर के हिसाब से जो भी बाइक में प्रॉब्लम या चेंजेस आए हैं उसी पे ये वीडियो बनी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको और किसी सुझाव इसके बारे में या फिर और किसी बाइक के बारे में जानना चाहते हैं नीचे जरूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।